नमस्कार, जो वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां आज कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के अधिकारियों को जोड़ा जाएगा। त्योहारों को लेकर अफसरों को इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ जरूरी दिशा निर्देश देंगे। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह अहम बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर ये बैठक होगी। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। आगामी त्योहार को देखते हुए, दिवाली के पर्व को देखते हुए, साथ ही उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देंगे। शाम 7 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। इस बैठक के दौरान तमाम जिलों के जिलाधिकारी और आला अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को देखते हुए समीक्षा करेंगे, साथ ही सभी जिलों के अधिकारियों के साथ जानकारी भी उनसे लेंगे कि किस तरह से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है। तो आज कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के अधिकारी सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ेंगे और आगामी त्योहार, चाहे दिवाली का पर्व हो चाहे चुनाव को देखते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। वहीं बहराइच से खबर है, जहां परशुराम सेवा संस्थान पदाधिकारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। बुधवार को कलेक्ट्रेट पर अधिकारियों ने इस दौरान प्रदर्शन किया पदाधिकारियों ने। तो बहराइच के परशुराम सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया, बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। राम गोपाल के परिजनों को 1 करोड़ के मुआवजे की मांग यहां पर पदाधिकारी कर रहे हैं। पुलिस द्वारा हिंदुओं के उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। तो बहराइच से खबर, जहां परशुराम सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। बहराइच में राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड को देखते हुए पीड़ित परिजनों को 1 करोड़ के मुआवजे की पदाधिकारियों ने मांग की। वहीं दूसरी तरफ पुलिस द्वारा हिंदुओं के उत्पीड़न करने का भी उन्होंने आरोप लगाया, साथ ही नाराजगी जताई। खबर बहराइच से है, जहां हिंसा से पहले थाना अध्यक्ष का भेजा पत्र सामने आया है। बता दें कि थाना अध्यक्ष हरदी ने एसपी को अतिरिक्त फोर्स की मांग के संबंध में पत्र भेजा था। दशहरे को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर उन्होंने अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की थी। पत्र में 1.5 सेक्शन पीएसी और 1.5 सेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स की मांग की गई थी। तो खबर बहराइच से है, जहां हिंसा से पहले थाना अध्यक्ष का भेजा गया पत्र अब सामने आया है। बता दें कि थाना अध्यक्ष हरदी ने एसपी को अतिरिक्त फोर्स की मांग को लेकर पत्र लिखा था। दशहरे को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर यहां पर थाना अध्यक्ष ने एसपी को पत्र लिखा था। पत्र में ज्यादा यानी अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई थी। पत्र में 1.5 सेक्शन पीएसी और 1.5 सेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स की मांग की गई थी। वहीं अब ये पत्र सामने आया है। इस पत्र के बाद एक बार फिर से बहराइच मामले को लेकर कई तरह के सवाल जो है उठ रहे हैं। सियासत भी गर्मा गई है। बहराइच में हुई हिंसा के मामले में एक युवक रामगोपाल मिश्र नामक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से बहराइच का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बहराइच से खबर, जहां हिंसा से पहले थाना अध्यक्ष का भेजा गया पत्र सामने आया है। बता दें कि थाना अध्यक्ष हरदी ने एसपी को अतिरिक्त पुलिस फोर्स की मांग के संबंध में पत्र लिखा था। पत्र आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यह वही पत्र है जो थाना अध्यक्ष ने एसपी को लिखा था। और इस पत्र में थाना अध्यक्ष ने दशहरा पर्व के संबंध में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की मांग की थी। दशहरे को सकुशल संपन्न कराए जाने के संबंध में थाना अध्यक्ष ने पत्र लिखकर एसपी से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की थी। पत्र में 1.5 सेक्शन पीएसी और 1.5 सेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स की मांग की गई थी। हालांकि जो आला अधिकारी है उनकी लापरवाही जरूर सामने आई है कि थाना अध्यक्ष के पत्र लिखने के बावजूद
जो एसपी है उन्होंने संज्ञान नहीं लिया और पत्र के जवाब में अतिरिक्त पुलिस बल नहीं प्रोवाइड किया गया। यही वजह है कि बहराइच में मामला बिगड़ गया। मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदाय आपस में भिड़ गए थे। संघर्ष इस कदर हुआ कि एक युवक की हत्या हो गई। तो बहराइच हिंसा से पहले थानाध्यक्ष का एसपी को भेजा गया पत्र अब सामने आ गया है। पत्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही पत्र है जो थाना अध्यक्ष ने एसपी को भेजा था। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे आप सभी को लखनऊ लिए चलते हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है। लेकिन पिछले 7 वर्ष के अंदर जो भी चयन की प्रक्रिया हुई, हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि इसमें किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भी भेदभाव न हो, उसकी योग्यता और उसकी क्षमता का भरपूर उपयोग हम प्रदेश के विकास के लिए कर सके, 25 करोड़ लोगों के भाग्य को बदलने में कर सके और 25 करोड़ जनता के सामर्थ्य से हम उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत कर सके, आज उसी का परिणाम है। हमने नियुक्ति की प्रक्रिया की, सरकारी नियुक्तियां हो या निजी क्षेत्र में नियुक्तियां, या संविदा के आधार पर व्यक्ति की योग्यता उसकी क्षमता को ध्यान में रख करके जब ये नियुक्ति की प्रक्रिया ईमानदारी से आगे बढ़ी तो परिणाम है हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उस विकास का लाभ, प्रतिभा के बेहतर उपयोग का लाभ आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। जो 6वीं-7वीं अर्थव्यवस्था जिस उत्तर प्रदेश की थी, आज वो देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। जो उत्तर प्रदेश देश के विकास का बैरियर माना जाता था, वो उत्तर प्रदेश आज भारत के विकास का एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को सामने रख रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने के लिए नहीं आना चाहता था, आज उस उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है और यह निवेश केवल निवेश नहीं है, इसमें रोजगार भी है और इसमें विकास भी है। ये सभी चीजें आज तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और इसीलिए मेरी आपसे अपेक्षा होगी कि ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में आपकी जो जिम्मेदारी है वह ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में, चाहे पंचायती राज विभाग के माध्यम से हो या समाज कल्याण विभाग के माध्यम से, दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। याद रखना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने की जो सबसे आधारभूत इकाई है वह ग्राम पंचायत है। आप प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने एक टारगेट भी देश के लोगों के सामने प्रस्तुत किया है कि देश जब 2047 में अपने आजादी की शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा तब कैसा भारत हमें चाहिए, तब कैसा भारत हमें चाहिए, एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत। और आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए जो न्यू आज आप रखेंगे, इसी न्यू पर उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनने वाली है। याद रखना, उसकी आधारशिला हमारी ग्राम पंचायतें बने। इसके लिए बहुत सारा कार्य पंचायती राज विभाग ने पहले से ही संपन्न किया हुआ है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जो 29 प्रकार के कार्यों को करने के लिए डेलीगेट किए गए हैं, इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के साथ ही अब तक प्रदेश में सचिवालय होते थे, जनपद स्तर पर जिलाधिकारी का कार्यालय और वहां पर विकास भवन हुआ करता था, लेकिन जिनके लिए कार्य हो रहा है
उस ग्राम पंचायत के पास अपना कोई भी भवन नहीं था। ग्राम प्रधान जैसे तैसे अपने घर से कार्य करता था और यही परिणाम होता था कि बहुत बार तो ग्राम प्रधान ऐसे भी करते थे कि कार्य योजना बनती नहीं थी तो काम भी नहीं हो पाता था और अंतिम वर्ष में दौड़ धूप करके किसी प्रकार से उसने कुछ योजना बना ली, इंप्लीमेंट हो गई तो हो गई, नहीं हो गई तो फिर पैसा लैप्स होता था या जैसे तैसे कोई निकाल लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब उत्तर प्रदेश की 57,000 से भी ग्राम पंचायतों में सब जगह ग्राम सचिवालय लगभग बन चुके हैं और इनमें ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन या फिर इंटरनेट का कनेक्शन या वाईफाई की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराई जा चुकी है। एक एक वहां पर ग्राम पंचायत सहायक के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर भी नियुक्त किया जा चुका है। अब हमें अपने आप को साबित करना होगा, गांव से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान गांव के अंदर ही गांव के लोगों को प्राप्त हो, आय प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो या फिर जाति प्रमाण पत्र हो, ये सभी सुविधाएं ऑनलाइन वहां पर उसे प्राप्त हो। इसके लिए एक तो ग्राम पंचायत को तैयार करना, ग्राम पंचायत की कार्य योजना को, साल भर की कार्य योजना को ग्राम पंचायत प्रधान और ग्राम से जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं उनके साथ बैठ करके तैयार करना और फिर ये भी देखना। तो आप लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। 8 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा चुनाव लड़ेंगे, वही फूलपुर से दीपक पटेल बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। करहल से अनुजेश यादव बीजेपी के प्रत्याशी है। खैर से सुरेंद्र दिलेर को टिकट मिला है। वही कठेरी की अगर बात करें तो कठेरी से धर्मराज निषाद बीजेपी के प्रत्याशी है। मझवा से सुचिस्मिता मौर्य बीजेपी की प्रत्याशी है। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। 8 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा चुनाव लड़ेंगे, वहीं फूलपुर से दीपक पटेल बीजेपी के उम्मीदवार हैं। करहल से अनुजेश यादव, खैर से सुरेंद्र दिलेर, कटेरी से धर्मराज और मझवा से तो यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप सभी को दे दें, जहां बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि 9 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों का यहां पर ऐलान किया है। 8 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। गाजियाबाद, फूलपुर, करहल, खैर, कठेरी और मझवा इसमें शामिल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी को बड़ा झटका दिया है। खाली रह गई निषाद पार्टी की थाली। बीजेपी ने मझवा और कठेरी से अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। निषाद पार्टी की अगर बात करें, निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने दोनों सीटों पर दावा किया था। जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात के बावजूद निषाद पार्टी की थाली में कुछ नहीं जा पाया और निषाद पार्टी की थाली खाली रह गई। तो बीजेपी ने निषाद पार्टी को बड़ा झटका दिया है। निषाद पार्टी की थाली यहां खाली दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 8 पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बीजेपी की लिस्ट सामने आ गई है। जो एक सीट है मीरापुर की, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी RLD को दी है। तो वहीं दूसरी तरफ संजय निषाद ने दिल्ली में डेरा जमाया हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बावजूद कुछ बात नहीं बनी और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी
ने निषाद पार्टी को बड़ा झटका देते हुए बीजेपी ने 8 की 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। मीरापुर सीट भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपनी सहयोगी आरएलडी को दे चुकी है। हालांकि मीरापुर सीट पहले भी आरएलडी के खाते की ही सीट है। वहीं दूसरी तरफ निषाद पार्टी को यहां पर बड़ा झटका लगा है। सीधा रुख कर लेते हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक का। पाठक जी, अगर बात करें जिस तरह से तमाम जो सस्पेंस था अब उस पर ब्रेक लग गया है, विराम लग गया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट से एक चीज तो साफ है कि निषाद पार्टी के हाथ अभी भी खाली नजर आ रहे हैं। देखिए, जो लिस्ट जारी हुई है उत्तर प्रदेश में 9 सीटें हैं जिस पर 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। निषाद पार्टी का दावा 2 सीटों का था लेकिन निषाद पार्टी को 1 सीट भी नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने कटेरी और मझवा से अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। संजय निषाद लंबा चौड़ा दावा कर रहे थे और दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात भी उन्होंने की थी लेकिन उनकी थाली खाली ही रह गई उपचुनाव में। अब अगर बात करें हम प्रत्याशियों की तो भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए की काट के लिए पिछड़ों और दलितों पर दांव लगाया है। जिन 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है उसमें 4 पिछड़े वर्ग के हैं और खैर से सुरेंद्र दिलेर जो दलित वर्ग से आते हैं उनको मौका दिया है। गाजियाबाद में ब्राह्मण चेहरा है संजीव शर्मा, इनको मौका दिया है। तो वहीं कुनरकी में क्षत्रिय समुदाय से ठाकुर बिरादरी से रामवीर सिंह ठाकुर को मैदान में उतारा है। तो पीडीए की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों का सहारा लिया है। पीडीए को परास्त करने के लिए उपचुनाव में ये एक बड़ा दांव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने। जी अनिल जी, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि समाजवादी पार्टी की एक चीज स्पष्ट है कि वो पीडीए के तहत ही इस उपचुनाव में भी उतरेंगे। अगर बीजेपी की जो ये लिस्ट सामने आई है जिसमें गाजियाबाद की बात कर ले, फूलपुर, करहर, खैर और कठेरी और मझवा, ये जिन सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, क्या कुछ समीकरण आप बनते हुए देख पा रहे हैं और क्या बीजेपी यहां पर समाजवादी पार्टी को टक्कर दे पाएगी प्रत्याशियों के तहत? बेशक जो भारतीय जनता पार्टी की प्रतीक्षित सूची आई है ये काफी सोच समझ के जो है वो इसको अंतिम रूप दिया गया है और ये जो इतना विलंब हुआ है इसके पीछे भी ये कारण बताया जा रहा है कि पार्टी पे कहीं बगावत ना हो जाए, विरोध के स्वर ना उठे, इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एकदम अंतिम दौर में ये सूची जारी की है। अगर समीकरण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने मझवा, कटेरी, फूलपुर, करहल यहां से पिछड़े वर्ग को मौका दिया है। करहल जो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है जहां पर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर यादव से यादव की काट करी है, अनुदेश यादव को मैदान में उतारा है। अगर कटेरी की बात करें तो यहां पर निषाद बिरादरी के धर्मराज निषाद बड़े नेता हैं, मंत्री रहे हैं, इनको मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी से। मझवा की बात करें तो श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य बिरादरी को मौका दिया है। फूलपुर से पटेल बिरादरी के दीपक पटेल को मैदान में उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी का जो पीडीएफ फार्मूला है उसको तगड़ा डेंट करने की कोशिश की है। पाठक जी, जिस तरह से क्योंकि करहल जो सीट है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, अखिलेश यादव यहां से विधायक थे, फिर जब वो चुनाव लड़े दिल्ली पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने सीट छोड़ दी। यहां से अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, जिस तरह से आपने भी अभी समझाया कि करहल सीट से भारतीय जनता पार्टी ने यादव बिरादरी के ही अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारने का निर्णय लिया है, क्या माना जाए, क्या टक्कर हो पाएगी, बीजेपी जो चाह रही है उसमें कामयाब रह पाएगी? साथ ही अगर मझवा सीट की बात करें तो पूर्व सांसद रही संघमित्रा मौर्य का नाम सामने आ रहा था, चर्चाओं में था, लेकिन बिल्कुल उससे उलट मौर्य बिरादरी से ही सुचिस्मिता मौर्य को टिकट यहां पर दिया गया, किस तरह से समझे इस सबको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने करहल सीट पर तेज प्रताप यादव के मुकाबले में अनुजेश यादव को खड़ा किया है। चर्चा ये चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी मौर्य शाक्य बिरादरी को किसी कैंडिडेट को दांव लगा सकती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, उसने यादव के जवाब में यादव को मैदान में उतार दिया है
और ये एक तरह से यादव मतों में जो समाजवादी पार्टी का वोट है उसमें एक बड़ी सेनमारी की रणनीति बनाई है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी कितनी सेनमारी कर पाती है ये तो परिणाम बताएगा, लेकिन जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की करहल सीट पर वो यादव बनाम यादव के चुनाव करने की मूड में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। ठीक है, यानी हालांकि देखना काफी दिलचस्प होगा कि जिस तरह से समीकरण बैठाते हुए बीजेपी की अब लिस्ट सामने आ गई है, किस तरह से जो है जनता किसको आशीर्वाद देती है, कौन इन सीटों पर जीत दर्ज कराता है, उसके लिए इंतजार। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।